बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लूबर्ड सिटी की साइट पे मौजूद हैं। आजकल मौसम बहुत गर्म होता है, तो दिस वॉज एन आइडियल टाइम कि हम इस वक्त विज़िट करते, और साथ ही आपको मैं ये प्रोग्रेस दिखाना चाह रहा था जो यहाँ पे ब्लूबर्ड सिटी की साइट पे इस वक्त वाटर पार्क में ब्लूबर्ड वाटर पार्क में खड़े हैं। और ये आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये जो उसकी सबसे बड़ी राइड है, और ये यहाँ से स्लाइड शुरू होनी है और इसमें से घूमते घूमते आके इस पैराबोलिक फॉर्म के अंदर जो है राइड में, जिस वक्त बच्चे ऊपर राइड्स पे से इस प्लेटफॉर्म पे से चला करेंगे, तो यहाँ से घूम घूम के आके आप इसमें से फिर पीछे एक वाटर बेड बन रहा है, उसके अंदर जो है अल्टीमेटली जो राइडर होता है वो उसमें फॉल करता है पानी के फ्लो से। तो ये एक मार्वलस स्ट्रक्चर है जी, पाकिस्तान में पहली दफा इस स्केल का वाटर पार्क बन रहा है, और ये बिल्कुल जैसे दुबई में वाइल्ड वादी है, ये अटलांटिस वाटर पार्क है, और पूरी दुनिया से लोग ये फैसिलिटीज एंजॉय करने वहां जाते हैं। तो ये उसका एक मार्वलस स्ट्रक्चर है जी, इट इज अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, और ये आपको दिखाएं कि ये इस तरह से ये सारी स्टील के जितने इसके आर्मेचर्स हैं, ये सारे हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जॉइंट्स हैं हर जॉइंट में ये फिर इसका लगता है, और इसके ऊपर फिर फाइबर ग्लास की राइड ने इसके ऊपर चढ़ना है, जिसके अंदर बॉडी ने स्लाइड करना होता है राइडर की, और ये आके फिर अल्टीमेटली इसमें से ये इस पूल में गिरा करेंगे आके। और जिन लोगों ने ये दुबई में इंजॉय की हुई है राइड, आई एम श्योर दे कैन रिलेट के मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर, और सिमिलरली ये उसका पूल है, बिल्कुल एडजेसेंट टू द पूल इज दिस वेव पूल। ये वेव पूल का मशीन रूम बन रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगेंगी, बड़ी पानी को पंप करेंगे और ये वेव यहाँ पे जाया करेगी। और ये सामने एक और राइड बन रही है, और ये इस वाटर पार्क का वाटर स्टोरेज है, पीछे वो एक और राइड बन रही है, और एक स्ट्रक्चर आप वहां देखें, अभी हम वहां भी जाते हैं, तो वहां भी आपको एक नजर आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर इकट्ठा हो रहा है। इसको काम नहीं शुरू हुआ साइट पे, मैं पता तो मैं आपको राइड्स के नाम पढ़ के बताता। बेसिकली 13 हॉट राइड्स हैं, और हॉट राइड्स वो होती हैं जो किसी भी वाटर पार्क की सबसे यूटिलाइज्ड राइड्स होती हैं, और जिन पे सबसे ज्यादा रश होता है, जिसकी वजह से मशहूर होता है। तो ये आप, ये आपकी राइड्स हैं, और ये वाटर पार्क है, और ये पीछे आपके ये बुर्जुल अरब का व्यू है, यहाँ एक लिफ्ट चल रही होगी थ्रू आउट, और फ्लोर के इस साइड से भी और इस साइड से भी वाटर पार्क का पूरा व्यू होगा, और परे भी पूरे प्रोजेक्ट का व्यू साइड से मिल रहा होगा। इस वक्त ये 250 फुट की हाइट पे पहुंच गए, और इसको हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इसमें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जब साइड से इस के वक्त गुजर रहे थे, तो वाटर पार्क की इंफॉर्मेशन मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं। ये इसका वही मटेरियल है जी, इसलिए चाइनीज टीम आई हुई है जो इसको असेंबल कर रही है, और ये अभी हम के दूसरी तरफ जाए। ये हमारे राइट पे ये वेव पूल है, बेसिकली ये राइड्स जिस वक्त कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर ये सारा एरिया जो है उसका फ्लोर फिनिशिंग है इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली वो टफ टाइल और ग्रीनरी होगी, तो जितना ये कंक्रीट पार्ट है ये इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है सारी राइड्स का। यहाँ पे एक स्लाइड आनी है, जो 3-4 स्लाइड्स इकट्ठी यहाँ पे लैंड किया करेगी एंड पे इसका पूल होगा। सिमिलरली वहां पे ऊपर एक रेस्टोरेंट आ रहा है, ये आपके लॉकर और चेंजिंग रूम है, और अब हम दूसरी राइड की तरफ जा रहे हैं, और आप राइड देख सकते हैं।
पूल है जी, वे पूल। और यहाँ पे बीच बनेगी आर्टिफिशियल, लेकिन दुबई किसी भी और मुल्क में अगर आप देखें यूएस में सिक्स फ्लैग्स के नाम से वाटर पार्क की चेन मशहूर है और पूरे यूएस में उनके वाटर पार्क्स हैं। अगर आप टर्की चले जाएं तो लैंड ऑफ लेजेंड्स के नाम से बड़ा मशहूर उनका वाटर पार्क है। तो उन सब वाटर पार्क्स की थीम एक ही होती है, ऑल बेसिकली कैपिटलाइज ऑन हॉट राइड्स। और हॉट राइड्स हमने यही कोशिश की कि यहाँ पे 12-13 हॉट राइड्स लेके आए ताकि ये पार्क अपनी मिसाल आप हो पाकिस्तान में। ये बिल्कुल टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऑपोजिट एरिया इसके इर्द गिर्द डेवलप होगा। यहाँ पीछे एक मॉल की जगह हमने रखी हुई है और ये लेफ्ट पे अब जितनी लैंड थी अलहमदुल्ला ब्लू वर्ल्ड टेक ओवर कर चुका हुआ है। यहाँ टॉप तक ये होटल आ गया, पहले हम इस होटल को मुकम्मल करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ये वाला होटल बनाएंगे। ब्लू वर्ल्ड इज गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी और ये अलहमदुल्ला टूरिज्म के जो रिक्वायरमेंट होते हैं जो लोगों को अपने अट्रैक्शन होती हैं, तो ये सफ़र में हम तकरीबन अलहमदुल्ला आधा सफ़र तय कर चुके हुए हैं और इस साल के एंड तक इंशाल्लाह आप ये वाटर पार्क अल्लाह के फजल से अल्लाह के हुक्म से ऑपरेशनल देखेंगे इंशाल्लाह। ये जी दूसरी उसी तरह की स्लाइड है, इसमें से भी ऊपर से बंदा आएगा, इस जो है प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगा और उसके बाद इस पूल में ड्रॉप होगा। सो ये वो राइड बन रही है। इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये इसका प्लेटफॉर्म है और पीछे ये एक और राइड, उसका भी सिमिलर किस्म का प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसके गालबन सेंटर में बंदा ड्रॉप होता है। इस वक्त मेरे पास ड्राइंग नहीं है, नहीं तो आपसे शेयर करता। इस पे हम अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बना के शेयर करेंगे। और ये नीचे देखें ह्यूज किस्म के स्टोरेज टैंक्स हैं जिसके अंदर पानी ने बेसिकली स्टोर होना है और सर्कुलेट करना है सारे सेटअप में। तो आज सुबह आज ही मौसम इस वक्त फ्रेंडली था तो मैंने कहा आपसे ये डिटेल घूम फिर के शेयर करें। पाकिस्तान में तकरीबन सारा साल जो है वो वेदर इस किस्म का रहता है कि आप वाटर पार्क की फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं। सो जज़ाकअल्लाह खैर जी, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इस साल के एंड पे इकट्ठे इस वाटर पार्क को सारे ब्लू वर्ल्ड के मेम्बरान एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।